प्रिंसेस ऑफ इंडिया को हाथ लगा दिया। मैं तो ये इस चीज़ को देखिए, हमारे देश में गांधी परिवार की जो बिटियां हैं ये एक प्रिंसेस हैं और इनके जो राजकुमार हैं हम दोनों को टॉलरेट कर रहे हैं जी, सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। अब उनको शहीद का दर्जा तो नहीं मिलेगा पर प्रियंका गांधी के हिसाब से उनको जन्नत तो मिल जाएगा और जन्नत में उनको प्रियंका जैसी बेहतर हूरें भी मिल जाएंगी। प्रियंका गांधी ने बोला, किसने देखा, किसी ने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? प्रियंका गांधी दारू पी के टल्ली हो गई है क्या? जो बसों में पैसेंजर भरी हुई उसमें आग लगाने वाले को तुम वो दोगे अवार्ड शहीदों का? कांग्रेस देश का ऐसा दीमक है जिसको आप ज्यादा देर तक छोड़ देंगे तो सब चाट खाएगा। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर ये आरोप लगाया कि उनकी गर्दन पकड़ी गई, उन्हें धक्का मारा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और वहीं उन्होंने दूसरी एक चीज़ और बोली कि जो दंगों में मारे गए लोग हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए इस देश में। और यूपी पुलिस जालिम हो चुकी है, योगी जालिम हो चुके हैं। इसी पर जनता से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि योगी की पुलिस के बारे में जनता किस तरीके से देखती है और प्रियंका गांधी को कितना समझी है जनता। सर, प्रियंका गांधी कह रही है योगी जालिम हो चुके हैं, औरतों का सम्मान नहीं है और गांधी परिवार तक का सम्मान नहीं है। गांधी परिवार का सम्मान उनको औरतों का सम्मान से मतलब सीधा सीधा ये रहता है कि कोई गांधी परिवार का सम्मान करे या रॉबर्ट फैमिली की कोई खातिरदारी करे तो महिलाओं का सम्मान है। और रही बात जैसे आजकल ये चल रहा है कि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया या पुलिस ने उनको हाथ लगाया, तो पहली बात तो ये है, देखना ये है कि हाथ लगाया क्यों पुलिस ने, पुलिस आप तक पहुँची क्यों, ऐसा कुछ वीडियो सामने आया नहीं। तो पुलिस ने हाथ लगाया क्यों, पहली बात तो ये भी देखनी चाहिए ना कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पुलिस ने हाथ लगाया तो पुलिस तो अनायास तो हाथ लगाएगी नहीं। दूसरी बात, आप नेता हैं, समाज के नेता हैं, नेता का काम होता है कि समाज को नई दिशा देना, समाज को आगे ले जाने वाला। अगर हमारा नेता ही, हमारा मुखिया ही गलत होगा तो समाज किस दिशा में जाएगा? और अगर आप समाज को दिग्भ्रमित करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे या किसी एक पक्ष विशेष के लिए, तो हो चुके हैं ना सर, लगातार जो आज़ादी गैंग निकली हुई है रोड पे, योगी की पुलिस उन्हें बेरहमी से पीट रहे हैं और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा मरने के बाद। प्रियंका गांधी कह रही है उनको शहीद का दर्जा तो नहीं मिलेगा पर प्रियंका गांधी के हिसाब से उनको जन्नत तो मिल जाएगा और जन्नत में उनको प्रियंका जैसी बेहतर हूरें भी मिल जाएंगी। तो इसलिए देखने की बात तो ये है कि प्रियंका जैसी हूरें हैं कहाँ पे, जिसकी ख्वाहिशें लेकर के लोग सड़क पे दंगा करते हैं या जिस कुरान का सहारा लेकर के, जिस इबादत के रास्ते को शांति और अमन और चैन की बात करने वाले जो शांति दूत हैं इस दुनिया के, जिस शांति के साथ वो दंगा करते हैं, जिस शांति के साथ वो मार्च करते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियाँ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा योगी जी की पुलिस ने किया है। क्योंकि सरकारी संपत्ति को आवाज़ दबा रहे हैं सर योगी, प्रियंका गांधी कह रही है क्रांतिकारी। हाँ, क्रांतिकारी तो हैं ये, क्योंकि गांधी परिवार के क्रांतिकारी हैं। गांधी परिवार अभी गर्त में जा रहा है तो गांधी परिवार के लिए जो काम करेगा, जो उद्धार के उनके उद्धार के लिए काम करेगा, जो गांधी परिवार की आवाज़ बनेगा वो क्रांतिकारी है सीधे सीधे। बाकी महात्मा गांधी की दृष्टि में वो अहिंसा है। योगी की पुलिस को इतनी हिम्मत हो गई कि प्रियंका गांधी को हाथ लगा। हाँ, प्रियंका गांधी को हाथ लगाएंगे, राहुल की टांग तोड़ेंगे, बदमाशियां करके तो देखो तुम यूपी में। यूपी पुलिस अपने ड्यूटी पर मुस्तैद है, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई एक्स वाई जेड हो, आप बदमाशी करके तो देखो यूपी में, आपको वैसे ही ठोका जाएगा जैसे कल आपका अनुभव रहा। फील आ रहा है यूपी? बिल्कुल बिल्कुल, यूपी मस्त है, उछालो इजराइल वाला, सुरक्षित। हर आदमी की सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है, वो दे रही है, बखूबी दे रही है, आपको बड़ी तकलीफ है। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि शहीद का भी दर्जा दिया जाए तो दंगाई मारे गए हैं। प्रियंका गांधी दारू पी के टल्ली हो गई है क्या? जो बसों में पैसेंजर भरी हुई उसमें आग लगाने वाले को तुम वो दोगे अवार्ड शहीदों का? तुम्हारे पास सेंस नाम की चीज नहीं है। देखिए, शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है जो दंगा ना करे, शांति से राष्ट्र के लिए बिना किसी स्वार्थ के, अपने लिए स्वार्थ के लिए लड़ने वाले को जो शहीद नहीं बोलते। क्रांति जो की लड़ाई लड़ रहे हैं ना सर। कौन सी क्रांति, कौन सी क्रांति? मुस्लिमों को बचाने निकले, मुस्लिमों को बचाने के लिए। मुस्लिमों का दुश्मन तो खुद मुस्लिम है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है उसका दुश्मन है। तो मुस्लिमों को मुस्लिमों से बचाने की जरूरत है, किसी हिंदू से, किसी जैन से, किसी बुद्धिस्ट से बचाने की आवश्यकता नहीं है। योगी के पुलिस तो गुंडे हो चुके हैं। हाँ, गुंडे हो चुके हैं, मैं भी कह रहा हूँ गुंडे हैं, बहुत बहुत बढ़िया
गुंडे हैं वो गुंडों को ठीक कर दे, जो वो गुंडे हमें अच्छे लगते हैं। यूपी पुलिस इतनी हिम्मत हो गई सर, प्रियंका गांधी को हाथ लगा दिया, ये सब अफवाह है। ये बताइए प्रियंका गांधी ने बोला, किसने देखा, किसी ने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वही बात है ना, अब ये बताइए, अब ये तो वही बात होगी ना कि हमने जो इनके पीठ पीछे कह दिया कि हाँ हम इन्होंने हमें मारा, भाई हम बोलते तो आप क्या विश्वास कर लेंगे उनके? तो ये भी कह रही है कि जो मारे गए हैं दंगों में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए सर, वो क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह को आज तक ये लोग भगत सिंह को शहीद का दर्जा ना दे पाए, हम कैसे हम किसी उनको दे दें? भगत सिंह से ज्यादा बड़े ये थे, भगत सिंह को आज तक ये लोग आज तक नहीं दे पाए। सुभाष चंद्र बोस को ये लोग गायब करवा दिए ताशकंद समझौते के टाइम, ये लोग क्या बात करेंगे? किसको हम शहीद का दर्जा देते हैं जो वहाँ पे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं? पुलिस वालों की अपनी अपने पुलिस वालों के अपने परिवार नहीं है? वो तो गुंडे है ना सर, गुंडे कली के अभी भी कह रहे हैं योगी के गुंडे हैं, योगी के मैं बता योगी का गुंडे है। गुंडे अगर अगर पुलिस वाले गुंडे हैं तो ये क्या है? हम आपको एग्जाम्पल दे दें, मिस्र का दे दें या आपको ईरान का दे दें, ये यहाँ पे ये लोग भी माइनॉरिटी बन के कहते हैं और वहाँ के जो विशेष समुदाय थे आज वो इंडिया में माइनॉरिटी बन के रह गए हैं। ये लोग बात कर रहे गुंडे की, कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया। हम आपको सिंपल से एग्जाम्पल दे रहे हैं, दस दस जो है ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम बहुत शांतिप्रिय हैं, ऐसे ऐसे दस जो शांतिप्रिय लोगों के घर के बीच में एक आपके जैसे सेकुलर को भाई का घर बना दिया जाए, आप आराम से रह जाएंगे, लिख लीजिए नहीं रह पाएंगे, और वो हमारे दस घर के बीच में एक रह जाते, क्यों? क्योंकि हम सेकुलर हैं। सेकुलर बोलना आसान है, निभाना मुश्किल है। जी सर, मैं ये पुलिस वाले गुंडे हो चुके हैं सर और शहीद का दर्जा दिया जाए, इसीलिए 62 लोग इंजर्ड हो गए हैं। और एक आप मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये CA पास कब हुआ? 12 तारीख को, और लखनऊ में दंगा कब हुआ? ठीक 8 दिन बाद। ये क्या है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? ये प्लान नहीं है, ये सोची समझी साजिश नहीं है? तो दिल्ली में भी चल रहा था तो प्लान तो सब जगह तो चल ही रहा है ना। ये पूरे विपक्ष को जो है, पूरा विपक्ष जो है, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं सारे के सारे लगे हुए हैं और सबको प्रोवोक किया जा रहा है। तो इस्लाम बचाने निकले हैं सर, तो सच बात है, वो राष्ट्र बताने नहीं निकले, इस्लाम बचाने निकले हैं, कह रहे ना मुस्लिम विरोधी। आप एक बार बताओ, सरकार ने कहा बोला कि इंडिया के मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा? कहीं दिखा, कहीं आपने देखा कि इंडिया के मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा? ये हम क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वहाँ से लोग बुलाए बाहर, बांग्लादेश से? तो जो हम सेकुलर हैं, सेकुलर सेकुलर का घंटा बजाते रहिए। ये कुल मिला के आप जब एक पहली बात है ना, एक ऐसा दिमक है कांग्रेस देश का, ऐसा दिमक है जिसको आप ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो सब चाट खाएगा, ठीक है, सब चाट खाएगा। और कुल मिला के आप जाएंगे वहाँ देखेंगे, उनके पास वेपन्स थे जो वहाँ दंगा कर रहे थे लखनऊ में, उनके पास वेपन्स थे हाथ में, वो कहाँ से हथियार है, उन्होंने किसको प्रोवाइड किया? ये सब कह रहे हैं जो ये दंगाई थे, जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा, प्रियंका गांधी कह रही है ना शहीद। अरे तो प्रियंका गांधी तो ये भी कह रही है कि पुलिस वाला हमारा गर्दन पे हाथ लगाया है, ये भी तो बोल रही है। और ठीक पुलिस ठीक ठीक सुनो सुनिए, दोबारा बोल रही है कि नहीं नहीं हाथ गला नहीं दबाया है, हाथ लगाया है, ये बात बोल रही है। अरे ये गिरगिट है, ये लोग चलान भी, ये लोग गिरगिट है, ये लोग गिरगिट जैसे चाल बदलते हैं, ठीक है। मेरा एक महीने का सैलरी रुक गया उनके वजह से, कौन आके देगा? इस्लाम की रक्षा का के देंगे हमारे एक महीने की सैलरी? ये लोग बस गिरगिट जैसा चाल बदलने आते हैं, इनके पास इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि देश को किसी तरह बेच खाए, जो जो मिला है वाड्रा के ऊपर इतना केस का केस चढ़ा हुआ है, कितने करोड़ का घोटाला किया, ये खुद ही अभी बेल पे छूटे हुए लोग, ये क्या बात करेंगे? शहीद के दर्जे के बारे में क्या सोचते हैं सर? शहीद का दर्जा दिया जाए प्रियंका गांधी और योगी की पुलिस पगला गई है सर, राजकुमारी हमारे देश की है, कैसे हाथ लगा, प्रिंसेस ऑफ इंडिया को हाथ लगा दिया। मैं तो ये इस चीज को देखिए, हमारे देश में गांधी परिवार की जो बिटिया हैं ये एक प्रिंसेस हैं और इनके जो राजकुमार हैं हम दोनों को टॉलरेट कर रहे हैं जी, सहन करना बहुत मुश्किल हो गया अब सर, ये देश इंटॉलरेंस हो गया सर, हाथ लगाते जी, बिल्कुल हाथ लगाती है, गलती करी हाथ लगाया, उसी टाइम मुंह तोड़ देना चाहिए था इनका, जो मेरे देश के खिलाफ जाएगा उसे उसकी औकात नहीं है देश में भी रहे। जो ये लोग हैं इन्होंने उन लोग का दर्द तो देखने पहुंच गए जिन्होंने दर्द दिया, ये उन लोग को देखने नहीं पहुंचे जिन जो दर्द झेल रहे हैं। जो पुलिस वाले थे क्या उनका परिवार नहीं था, क्या वो फैमिली डिजर्व नहीं करती? ये सारे फेवर उनको जाने चाहिए थे, जो मेरे देश के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं वो शहीद, जो वो तो सर जो मर के गुंडा बोलती है कांग्रेस, कांग्रेस को अपनी सिक्योरिटी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि गली के गुंडे ही सिक्योरिटी दे रहे हैं, गली के गुंडे ही उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी त्याग देनी चाहिए और
बीच रोड पे खुलेआम चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि वो तो गुंडों के साथ अभी रह रहे हैं ना, आम जनता के बीच आम तौर पे रहें तो अब उन्हें आटे दाल का भाव पता पड़ेगा। ये भी कांग्रेस कहती है कि जब कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलिस और फौज राष्ट्रवाद की बात करने लगे तो समझ लेना कुछ कालापन छुपा रही है अपने पीछे। पुलिस और फौज के अलावा कौन राष्ट्रवाद की बात करेगा, ये करेंगे? इनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, ये तो राष्ट्रवाद की परिभाषा भी नहीं जानते। इनको एक इनके डीएनए में राष्ट्रवाद नहीं है, जो इस देश का नहीं वो किस बात से देशभक्ति बात ही करेगा।